हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे दिग्गज लार्ज कैप काउंटर के बारे में बात करेंगे जो आपको यहां से 40% रिटर्न दे सकता है एक साल में, और एक दिग्गज वेल एस्टैब्लिश कंपनी अगर 40% रिटर्न दे एक साल में तो मेरे मुताबिक वो बहुत अच्छा निवेश का विकल्प है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। इसको आप मिस नहीं करना चाहिए। और ये एक तरह से हम जो कंजम्पशन सीरीज जिसकी हम बात कर रहे हैं उसी से लिंक स्टॉक है, और ये तीसरा मेरा पिक है कंजम्पशन स्पेस में। और इसके बारे में मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि क्यों मेरे को लगता है कि ये शेयर अच्छा है। इसको आप खुद भी एनालाइज करके आप समझ सकते हैं, बहुत आसान है समझना। और शेयर जिसका नाम है आईटीसी बहुत अच्छी इस्टेब्लिश कंपनी है, और जैसे आपको शायद पता ही होगा इसका मेन बिजनेस है सिगरेट्स का, और इसके अलावा कंपनी के बहुत और प्रोडक्ट्स हैं, एफएमसीजी, पेपर पैकेजिंग, स्टेशनरी, मैच बॉक्सेस, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, फाइव स्टार होटल्स, बजट होटल्स करके, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एक्सपोर्ट्स, ये सब बिजनेसेस अलग से हैं कंपनी के, जो कि इन्होंने पिछले 30-35 सालों में जो सिगरेट से जो रेवेन्यू उनको आ रहा था, जो कैश फ्लो जनरेट हो रहा था, उसको बहुत होशियारी से इन्होंने बाकी बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया है, और इसका अब रेवेन्यू ग्रोथ और आगे प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बताता हूँ क्यों। एक तो जो सिगरेट का बिजनेस है उसमें भी अच्छी ग्रोथ है कंपनी की, क्योंकि पिछले तिमाही से इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी इसलिए भी हुई है क्योंकि टैक्सेस जो हैं जो लगातार बढ़ते रहे सिगरेट पे, वो पिछले बजट में नहीं बढ़े, तो इसको लेकर इनका काफी अच्छा रेवेन्यू और मार्जिन ग्रोथ हुआ है सिगरेट बिजनेस में, जिसको कि किसी वजह से, क्योंकि शायद सेंटीमेंट खराब है मार्केट में, इसलिए मार्केट ने नोटिस नहीं किया और कंपनी को रीरेट नहीं किया। और मैं समझूंगा कि जैसे ही मार्केट का सेंटिमेंट ठीक होता है तो ये ज़रूर नोटिस किया जाएगा कि इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है 5.5% का और एबिटा मार्जिन ग्रोथ है 9% का, वो एक तरह से वही इटसेल्फ कंपनी के शेयर प्राइस को रीरेट कर सकता है। इसके अलावा कंपनी के जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में अगर बात की जाए तो एफएमसीजी में कंपनी का जो एक बहुत बड़ा फेज था इन्वेस्टमेंट्स का और इस्टेब्लिश करने का, वो मैं समझूंगा कि निकल चुका है। कंपनी के पास अक्रॉस द रेंज कॉस्मेटिक्स की अगर बात की जाए, सोप्स कॉस्मेटिक्स की, तो बहुत अच्छे इस्टेब्लिश ब्रांड्स हैं जो अब विजिबल भी हैं मार्केट में। इसके अलावा जो दूसरा उनके फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी आशीर्वाद रेंज के इनके बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, रेडी टू ईट फ्रोजन फूड्स में भी इनके अच्छे इस्टेब्लिश प्रोडक्ट्स हैं, किचन ऑफ इंडिया और बाकी कई और ब्रांड्स के अंदर। और इसके अलावा जो बिस्किट्स हैं उसमें भी फीस्ट इनका एक प्रीमियम ब्रांड है जो बहुत अच्छा एस्टैब्लिश्ड है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कंपनी एक तरह से बहुत अच्छी वेल एस्टैब्लिश एफएमसीजी कंपनी भी है। और इसके अलावा जो होटल्स हैं इसमें इनके वेलकम ग्रुप के 5-स्टार होटल्स हैं, और दूसरी इनके पास फॉर्च्यून एक बजट होटल्स की भी चेन है। पेपर पैकेजिंग में कंपनी का एक बहुत पुरानी भद्राचलम मिल्स है, और कंपनी ने पिछले कई सालों से बहुत अच्छा अपने आप को इस्टेब्लिश किया है स्टेशनरी मार्केट में, और वहाँ पर भी इनके तरह से एक लीडरशिप पोजीशन है कंपनी के पास। कंपनी के जहाँ तक मैच बॉक्सेस में शिप एक इनका लीडिंग ब्रांड है, और वहाँ पे भी इनका बहुत अच्छा एस्टैब्लिश प्रेजेंस है। ऑर्गेनाइज रिटेल में विल्स लाइफस्टाइल, जो कि हमें हर जगह हर शहर की अच्छी मार्केट इसमें दिखता है, एक गारमेंट्स का बहुत अच्छा एस्टैब्लिश ब्रांड है। इसके अलावा एग्री मार्केटिंग में ई चौपाल का इनका इनिशिएटिव है जो पिछले कई सालों से काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और उनको काफ़ी अच्छे से इस्टेब्लिश किया है रूरल मार्केटिंग में, एग्री मार्केटिंग में, और एक्सपोर्ट जिसमें वो काफ़ी एग्री प्रोडक्ट्स और बाकी और चीज़ें भी एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी एक अलग डिविजन है जो बहुत इस्टेब्लिश है। और अगर सारों चीज़ों का अगर सम ऑफ पार्ट्स हम टोटल करें और जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश कंपनीज हैं उनके साथ अगर कंपेयर किया जाए तो एक बहुत कंजर्वेटिव सम ऑफ पार्ट्स टोटल आता है 340 रुपये का। तो 340 का जो टारगेट है वो वर्तमान जो प्राइस है कंपनी की 245, उससे 40% अपसाइड है, और 40% अपसाइड एक फ्रंटलाइन काउंटर में, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कंपनी का। एक और अच्छी चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा कि कंपनी
करेक्ट किया है कंपनी के प्रियर प्राइस ने पिछले कुछ महीनों में, और करेक्शन मेरे मुताबिक सिर्फ मार्केट सेंटीमेंट के कारण है, क्योंकि कंपनी अदरवाइज बहुत अच्छा कर रही है, प्रदर्शन भी कंपनी का अच्छा रहा है, और जो इकोनॉमिक स्लोडाउन की बात हो रही है उसका कंपनी के प्रदर्शन पे कोई असर नहीं आया है। तो ये तो गिने चुने कंपनीज में से ITC है जिसका कि रिजल्ट्स भी लगातार अच्छे आ रहे हैं, और मैं समझूंगा कि जिस लेवल पे अब मिल रहा है यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क बिल्कुल ना के बराबर है। तो आपको एक लार्ज कैप स्टॉक मिल रहा है जिसमें कि डाउनसाइड रिस्क नहीं है और अपसाइड रिस्क मेरे मुताबिक मिनिमम 40% है। जो 340 का टारगेट है ये भी बहुत कंजर्वेटिव टारगेट है, इसको बीट करने की पूरी चांसेस है। तो आप इसमें मेरे हिसाब से बिल्कुल शंका नहीं होनी चाहिए। आप जैसे मर्जी इन्वेस्टर हो, लो रिस्क हाई रिटर्न वाले इन्वेस्टर हो या हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले इन्वेस्टर हो, छोटी अवधि के इन्वेस्टर हो या लंबी अवधि के इन्वेस्टर हो, तो आपके लिए ये स्टॉक बिल्कुल सूटेबल है। तो इसको आप ज़रूर अभी निवेश कर सकते हैं और मैं आशा करूँगा कि आपका जो निवेश है वो अच्छा लाभ देगा आपको और अच्छा मुनाफा देगा। मेरा यूट्यूब चैनल देखने के लिए शुक्रिया। आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।